गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का रूब्रिक है स्टडिंग इजीली। स्टडी होती है कुछ करना, कुछ एक्टिविटी करना, कुछ लर्निंग के साथ रिलेटेड, अध्ययन करना किसी चीज़ का, पढ़ाई करनी, पढ़ना। अक्सर हम ये रूब्रिक बच्चों में यूज़ करते हैं जिनमें स्टडिंग इजीली, जो कि पढ़ाई बहुत आराम से बहुत इजीली कर लेते हैं। मोस्टली हम क्या सुनते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ता नहीं है, ढंग से ये स्टडी नहीं करता, इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, इसकी कंसंट्रेशन नहीं अच्छी होती। लेकिन जो आज का रूब्रिक है वो है स्टडिंग इजीली। वो बच्चे जो बहुत आराम से बहुत इजीली पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, बहुत जल्दी इन बच्चों को याद हो जाता है। सो इसमें वी हैव सिक्स मेडिसिन्स, लाइक लैकेसिस जैसी मेडिसिन्स, फॉस्फरस, प्लेटिना, कैम्फर, कॉफिया और एक रेयर मेडिसिन है। सो वो बच्चे जो बहुत इजीली लर्न करते हैं, इजीली स्टडी करते हैं, जिनको बहुत जल्दी समझ आ जाती है अपने सब्जेक्ट की, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके ऑपोजिट एक रूब्रिक है स्टडिंग डिफिकल्ट। स्टडिंग डिफिकल्ट का मतलब ये बच्चे आराम से इजीली पढ़ाई नहीं कर सकते, इनको जल्दी जल्दी बात समझ नहीं लगती, ये जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करते, इनको पढ़ने में दिक्कत होती है। उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इनकी कंसंट्रेशन डिफिकल्ट होती है, इनका ध्यान नहीं लगता, ध्यान कहीं और रहता है, या इनमें डलनेस हो सकती है, या इनमें कंफ्यूजन हो सकती है, या ये लोग गलतियां बहुत करते हैं, स्टडी एवर्शन है, इनकी मेमोरी पुअर है। सो उसके लिए बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, स्टडिंग डिफिकल्ट है, मुश्किल है जिनके लिए पढ़ाई, जो आज के रूब्रिक के ऑपोजिट रूब्रिक है। लेकिन जो बच्चे बहुत इजीली पढ़ते हैं वो इन छह मेडिसिन्स में आते हैं, और जो इसके ऑपोजिट है, स्टडिंग डिफिकल्ट है, उसमें वी हैव 32 मेडिसिन्स। अक्सर ये रूब्रिक हम बच्चों में ही लेते हैं, बड़ों में तो कभी यूज़ नहीं किया, बच्चों में सैकड़ों बार यूज़ किया है और बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू।